इंडिया पाकिस्तान के बीच जब भी मैच होता है पूरे देश का माहौल बदल जाता है। यही कारण है कि 10 सितंबर को होने वाले मैच के लिए रिजर्व डे रखा गया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसा केवल दो मैचों के लिए किया गया है। पहला 10 सितंबर को जब इंडिया पाकिस्तान की टीमें आपस में भिड़ेंगी, दूसरा इस टूर्नामेंट के फाइनल मैच के लिए रखा गया है। बाकी श्रीलंका और बांग्लादेश की टीम तो वैसे ही एशिया कप का हिस्सा है। ऐसा करना कितना सही है, इतने बड़े टूर्नामेंट में सभी टीमों को दरकिनार कर केवल दो टीमों के लिए ऐसा नियम बनाना, यह क्रिकेट को शर्मसार कर रहा है। एशिया कप का शेड्यूल ही ऐसा बनाया गया है कि ज्यादा से ज्यादा बार इंडिया पाकिस्तान की टीमें आपस में भिड़ सके। यहाँ तक तो ठीक था, यदि किसी टूर्नामेंट में रिजर्व डे रखा जाता है तो सभी टीमों के लिए समान रूल होते हैं। जैसे नॉकआउट मुकाबलों के लिए, जिसमें यह पहले से तय नहीं होता है कि कौन सी टीमें फाइनल में या नॉकआउट मुकाबले में आपस में भिड़ेंगी, और मैच बेहद ही इम्पोर्टेंट होता है तो उसका परिणाम आना बेहद ही जरूरी हो जाता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा करना किसी के गले नहीं उतर रहा है, क्योंकि ऐसा केवल एक मैच के लिए किया गया है। और श्रीलंका टीम जो पिछले साल की चैंपियन टीम है, क्या उस देश के लोग नहीं चाहेंगे कि उनके टीम का मैच का परिणाम आए? यदि इंडिया पाकिस्तान के बीच मैच ज्यादा जरूरी है तो दोनों देशों के बीच एक सीरीज ही करवा लो, लेकिन एशिया कप का मजाक न बनाओ। हम इंडियन फैंस होने के नाते हम भी चाहते हैं कि हमारी टीम फाइनल तक पहुंचे और फाइनल भी जीते, लेकिन बेईमानी करना हमारी फितरत में नहीं है। मैच का परिणाम आना भी चाहिए, लेकिन सभी टीमों के लिए समान रूल भी होना चाहिए। अब दुख की बात यह है कि जहां पर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है वहां पर दोनों दिन बारिश होने के आसार हैं। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि पूरा मैच हो, उसका परिणाम भी आए और भारतीय टीम मैच भी जीते। लेकिन पाकिस्तान बोर्ड को अपनी सोच को सुधारना बेहद ही जरूरी है। और यदि आप मेरी बातों से सहमत हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।